हेलो बच्चे गुड मॉर्निंग कैसा रहा क्वेश्चन कर लिया सब हमने दिया था जो अरे बेटा दस मिनट का ब्रेक था हमने फिफ्टीन मिनट दे दिया आपको इट वाज ब्रेक ऑफ ओनली टेन मिनट्स बट आई हैव गिवन यू मिनट्स प्रिंसिपल सर नाराज हो रहे हैं कि सर टाइम के साथ स्टार्ट करो सही है चलिए क्वेश्चन कर लिया आगे बढ़े तो अब चलेंगे हम लोग अभी अभी जो है इसके बाद चलना था सेक्शन हमने डी तक किया था सेक्शन डी में एक्सपोनशियल डाटा था अब क्या चलेंगे ट्राइगो डाटा कैसा कैसा कौ, कौन सा डाटा ट्राइगो डाटा कुछ यूजफुल जो क्वेश्चन है आपको फॉर्मूला है उसको मैं लिख देता हूं जो याद करना आपको है जो फॉर्मूला यूज होगा उसकी बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा अच्छे लिख देता हूं मैं फॉर्मूला यूज है ना या यूजफुल टू बी यूज है ना जो फॉर्मूला यूज में लाना है उसी बात करें कि क्या क्या लाना है कैसे अब देखो जैसे सिंपल सी बात होगा साइन स्क्वायर एक्स तो टू साइन स्क्वास का वैल्यू होता, होता है ना तो क्वेश्चन में जब भी साइन आपको हमेशा लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा ठीक है ये तो हो जाएगा वन प्लस बिल्कुल सही है अब मुझे साइन थ्री एक्स चाहिए तो साइन थ्री एक्स होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स ये ध्यान देना तो मुझे तो ये चाहिए क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा थ्री साइन क्यूब एक्स दिया रहेगा तो right? अब जरा जलते हैं अपन चलते हैं कौन सा कोस थ्री एक्स कोस थ्री एक्स की बात करोगे कोस थ्री एक्स की बात करोगे फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स एग्जाम में आपको यह पूछेगा इसको इस तरफ ले आओ बच्चे तो आपके पास क्या हो गया कॉस क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन की बात करेगा या कहीं इसका फॉर्मूला यूज करना होगा तो क्या करना थ्री कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स बाई फोर बिल्कुल सही है इसके अलावा आप क्या करेंगे इसके अलावा अपन करेंगे क्या देखोगे अब यहां रहेगा साइन टू साइन ए 2 sin A cos B. 2 sin A cos B. ये रहेगा तो क्या करोगे? ये हो गया sin A plus B plus sin A minus B. Right ना? 2 cos A sin B. अब क्या हो गया? ये हो जाएगा sin A plus B minus sin A minus B. राइट टू कॉस ए कॉस बी क्या होगा फॉर्मूला ये होता है फॉर्मूला हाँ याद है मुझे पता है बच्चे मैं जानता हूं आपको पता है फिर भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऐसे ही लिख लो ना आप रट्टा मार लेना देख लेना एक बार एक बार एक साइड के लिए फार्मूला देखते हो ना आप फॉर्मूला देख लेना बस कॉस ए प्लस बी ठीक है और प्लस कॉस ए माइनस बी टू साइन ए साइन बी रहेगा तो यहाँ बच्चे खूब गलत करते हैं इससे बच्चे खूब गलत करते हैं तो ये हो जाए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ये जो फॉर्मूला है यूज होने का है इस इसमें इंटीग्रेशन फॉर्म में सही है अब मैं देखता हूँ क्या अब ये तो लिख दिया हमने अब मैं देखता हूँ क्या अब आपका हो गया लेक्चर में डे आपका थर्ड है थर्ड क्लास लेक्चर है आज का सेकंड लेक्चर है और सेक्शन हो गया ये सेक्शन ई में क्वेश्चन लिखता हूं मैं इसी में से क्वेश्चन उठाता हूं हूँ क्वेश्चन रहेगा नंबर वन क्वेश्चन क्या रहेगा साइन टू एक्स साइन फाइव एक्स डी एक्स ये क्वेश्चन एक आपके पास है कैसे बनाओगे कुछ नहीं करना इसमें सबसे पहला काम वन बाय टू बाहर लगाया यहां लगा दिया टू टू साइन टू एक्स एंड साइन फाइव एक्स डी एक्स अब देखो तो जरा सा साइन साइन है तो साइन साइन में आप जानते हैं ना क्या होता है तो ये रिपीट हो गया टेन चेंज हो गया कॉस कॉस में तो कॉस हो गया आपका कितना ए माइनस बी कॉस थ्री एक्स अब माइनस कॉस सेवन एक्स ये हो गया दिस वन सही है अब इसका आंसर क्या हो गया इसका आंसर होता है अच्छे, आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका वन बाय टू कॉशिसन हो गया साइन में तो साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस साइन सेवन एक्स अपॉन सेवन प्लस कॉन्स्टेंट के सही है क्या सही है ना आगे बढ़े बिल्कुल सही है इसको एक काम करता हूं इसको बनाता हूं ए ए नंबर फर्स्ट का ए अब चलता हूं मैं फर्स्ट का भी अगर रहेगा आपका कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे फिर से आपका वही काम करना वन बाय टू ऑफ ये हो गया आपका टू कॉस टू एक्स cos कॉस फोर एक्स बिल्कुल सही है अब इसे ठीक करेंगे वन बाय टू ऑफ ये क्या होगा टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस सिक्स एक्स अब प्लस कॉस ए माइनस बी करोगे तो कॉस टू एक्स दिस वन ये हो गया आपका वन बाय टू कॉस एस का हो गया साइन सिक्स एक्स बाय सिक्स साइन टू एक्स बाय टू प्लस के ये हो गया आपका आंसर सही है ना के लगाना नहीं भूलने का के मेरे के एंसर तो के लगाना है बच्चे जब भी इसकी बात हो एक और लेता हूं इसमें एक और इसमें लिखता हूं बाई दे रहेगा आपका सी नंबर में साइन एक्स एंड कॉस थ्री एक्स साइन एक्स एंड कॉस थ्री एक्स तो क्या करोगे कुछ नहीं करना वन बाय टू बाहर निकाल लो यहां लिख 2, कॉस थ्री एक्स डी एक्स अब क्या करोगे कुछ नहीं करना इसको वन बाय टू बाहर हो गया इंटीग्रेशन में क्या करना इसको ठीक करोगे टू साइन ए टू साइन ए कॉस बी है तो क्या लिखते हो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी तो साइन ए प्लस बी करोगे तो यहां हो गया साइन फोर एक्स और साइन ए माइनस बी माइनस थ्री एक्स है तो ये हो गया आपका माइनस में साइन टू एक्स डी एक्स सही है ना साइन साइन निगेटिव में तो साइन ऑफ कॉस होता है सही है तो अब इसको ठीक करोगे तो आंसर क्या हो गया वन बाई टू ऑफ साइन फोर एक्स हो गया माइनस कॉस फोर एक्स बाई फोर प्लस पे हो गया वन बाय टू को टू सही है आप सीरीज देख रहे होंगे बाय द वे जो ए, बहुत ही अप्लीकेबल है ट्वेंटी डेज पांच का पंच अलग अलग सीरीज चल रहा होगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारा उसे देखिएगा हर हाल में ठीक है सर्टिफिकेशन पे था हर हाल में उसमें से कम से कम दस क्वेश्चन आई एडवांस में रहेंगे ही रहेंगे अब नाम ने डिस्पोज नहीं कर रहा क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म स्कूल का प्लेटफॉर्म है बट उसमें से देखेंगे में only, 21 में लेक्चर पूरे कैलकुलस को अरेंज किया गया है, है ठीक ना? उसे हम लोग बोलते रीलोड कैलकुलस बस केवल लास्ट टाइम में बस दस दिन में सुबह शाम करके देख लिया तो आपका पूरा तैयारी अच्छी हो गई ये सिस्टमेटिक चल रहा है वहां थोड़ा तो फास्ट चलेगा करेंगे

और भी बनाऊंगा पहले आपका लेक्चर पहले पूरा कर दूं नेक्स्ट सेशन के लिए 2020 वन सेशन वाले बच्चों के लिए मैं अभी आने वाले दिनों में मैं अलग से बना दूंगा रीलोड कैलकुलस के नाम पे 2025 में में ताकि लास्ट उसको बोलते ब्रस आप, ब्रस आप के जैसा आप उसको एक बार देख सकते हैं और सारे पॉइंट्स को हाईलाइट को अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो एडवांस में आने वाले क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अलग से आपको प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको मजा आए और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एडवांस में टकराए सही है ना तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने ये रहा अब देखो क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन नंबर टू में कुछ नहीं करने का टू में अपने पास है ये हो गया आपका साइन बी एक्स डी एक्स यही है ना तो यहाँ टू लगाओगे वन बाय टू बाहर आ गया बिल्कुल सही है वन बाय टू ऑफ ये क्या हो गया साइन साइन है बच्चे तो ये अपने पास क्या लिखोगे साइन साइन पॉजिटिव मल्टीपल में है तो यहाँ आपके पास आ गया कॉस 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 ए माइनस बी कॉस हो गया ए माइनस बी एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स सही है ना ये हो गया कॉस ए माइनस कॉस बी क्या करते हैं आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो यही चीज आएगा या टू साइन साइन जब रहेगा तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वन बाई टू ऑफ ये क्या हो गया साइन आपका ए माइनस बी ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस बी राइट माइनस साइन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट के ये आपका आंसर हो गया सही है ना ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड अब मैं जहां देखता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं क्वेश्चन थर्ड में अपने पास क्या है बच्चे क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है

उसके लिए अपन थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं फाइट करते हैं बेसिक कंसेप्ट को जानने का राइट ना आइए डिफ्रिट को अच्छा करना है तो इनिफिनिट को अच्छा करना पड़ेगा है ना आइए देखिए बात करोगे ये क्या हो गया ये हो गया कॉस्ट सिक्स एक्स प्लस कॉस्ट टू एक्स एडिशन दोनों का डिफरेंस सही है कॉस का हो गया आपका कितना इसका इंटीग्रेशन लिखोगे इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन 6x एक्स अपॉन सिक्स प्लस साइन टू अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट के ये आपका आंसर हो गया अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर तीन तीन मल्टीपल वहाँ पे है फोर में तीन तीन मल्टीपल है देखते हैं उसमें क्या करेंगे फोर नंबर में अपने पास लिखा हमने आई का वैल्यू यहाँ लिखा हमारे पास कॉस एक्स कॉस टू एंड कॉस थ्री क्वेश्चन शानदार है अगर ये जीरो से पाई में होता अगर ये डिफरेंट फॉर्म में होता तो मजा आ जाता अभी सीधे आंसर लिखते आप बट डिफरेंट फॉर्म में नहीं है कोई बात नहीं फिर भी मजा लेंगे अपन है ना यहाँ टू लगाइएगा तो वन बाय टू आ गया तो वन बाय टू आ गया बाहर में अब देखिए क्या हो गया इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स है ना इसके बाद हो गया कॉस थ्री एक्स बाहर डी एक्स इसके साथ यहाँ लाओगे इसको यहाँ लाओगे बच्चे तो ये हो गया वन बाय फोर ऑफ वन बाय फोर ऑफ क्या हो गया ये हो जाएगा आपका टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स डी एक्स वन फोर ऑफ इसके साथ ये कॉस एक्स टू कॉस एक्स एंड कॉस थ्री एक्स गुड वन अब देखो तो कितना अच्छा हो गया ये हो गया हमारे पास कितना ये अपने पास हो गया देखो कितना वन बाय फोर ऑफ इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया वन प्लस कॉस सिक्स एक्स डी एक्स वन बाय फोर ऑफ ये क्या हो गया कॉस फोर एक्स प्लस कॉस टू एक्स ये रहा बच्चे डी एक्स एडिशन दोनों का एडिशन और दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सही है अब यहाँ से आंसर निकालोगे तो वन बाय फोर बाहर निकाल लो वन बाय फोर बाहर निकालो वन का हो गया एक्स कॉस सिक्स का हो गया साइन सिक्स एक्स बाई स एक्स का हो गया साइन फोर एक्स बाई फोर साइन टू एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट के ये आपके हो गए एंसर ठीक है ना तो ये हो गया आपका तरीका कि क्वेश्चन में अपन क्या क्या सोचते हैं ये देखोगे आप ठीक है बच्चे गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं देखोगे आप इसका सीन शॉर्ट ले लो आप इसका सीन शॉर्ट ले लो ताकि परेशानी आपको नहीं हो ठीक है ना दो हो गया थ्री हो गया चार हो गया सही है आर गेटिंग ऑल आर्य आवाज नेक्स्ट आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब तो टेन तो तक जो है छः क्वेश्चन आ गया आपके पास अब देखता हूँ मैं क्या करोगे अभी जो पैटर्न लिखा था उसी पैटर्न पे ये है है ना अभी जो पैटर्न लिखा था उसी पैटर्न पर यह है तो आप बना सकते आप फिर भी मैं बना देता हूँ मैं आप चेक कर लेना तो क्वेश्चन फाइव में अपन ने क्या किया बच्चे वन बाय टू बाहर निकाल लिया तो ये हो गया टू कॉस एक्स कॉस टू एक्स वहाँ पे कॉस थ्री एक्स था ये कॉस 4x आ गया ध्यान देना बच्चे अब अगर ये जीरो से पाई होता बाय द वे ऐसे जीरो से पाई होता तो इसका आंसर जीरो हो जाता सीधे जीरो हो जाता उसे बेस्ट करने के लिए अपन इनडिफिनिट पढ़ते हैं कैसे बेस्ट होगा अच्छा होगा उसकी बात कर रहे हैं अब यहां से हो गया 1 बाय टू ऑफ इसकी बात करोगे तो ये हो गया कॉस थ्री एंड कॉस एक्स बाहर वेट कर रहा है कॉस फोर एक्स इसको इसको अंदर लाओ, इसको अंदर लाओ, लाओ, फिर से आ गया ऑफ, ये हो जाएगा आपका टू कॉस थ्री एक्स फोर एक्स डी एक्स प्लस एंड कॉस फोर एक्स डी एक्स ये क्या बना आपके पास ये आपके पास बन गया बच्चे वन बाय फोर ऑफ है ना इंटीग्रेशन में एक साथ ले लेता हूँ सबको ये होगा सेवन ये होगा कॉस सेवन एक्स एंड कॉस एक्स इसकी बात करोगे तो कॉस फाइव एक्स और कॉस थ्री एक्स अब इसका आंसर देखो क्या बोला वन बाय फोर ऑफ ये हो जाएगा साइन सेवन एक्स बाई सेवन उसके बाद सिस्टमेटिक लिख दो सेवन के बाद फाइव लिखो तो ये हो गया प्लस में साइन फाइव एक्स वाई फाइव इसके बाद थ्री लिखोगे अच्छा लगेगा रहेगा थोड़ा सा अच्छा रहेगा लास्ट में ये लिखो कौस का। कौस का हो गया साइन एक्स, दिस वन, प्लस के, ये आपका हो गया एंसर सही है गुड चलिए आप है ना इसका सीन शॉट ले लो अच्छा रहेगा सीन शॉट ले लो ले लिया तो ये तो बन जाएगा आपका ये तो सिंपल क्वेश्चन है ये बन, ये बन जाना चाहिए ये बन जाना चाहिए मैं ये बनाता हूं एक मैं यहां बनाता हूं वन बाय टू लगाता हूं बाहर यहां टू आ गया तो ये अपने पास हो गया वन प्लस क्या हो गया वन बाय टू ऑफ वन का हो गया एक्स कॉस टू एक्स का हो गया साइन टू एक्स बाय टू बस बेसिक फॉर्म था इसे ऐसे लिख दिया आपने कर दिया आपका अब देखता हूं नेक्स्ट की बात करूं मैं नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर एट सेवन हमने किया था अभी एट में क्या करना अभी हमने कहा प्रीवियसली आप देख लो जो फॉर्मूला लिखा था तो फॉर्मुला क्या लिखा था भाई फॉर्मूला लिखा था साइन थ्री एक्स ये है आपका थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूबेक्स ये है ना ये चाहिए आपको तो ये चाहिए तो आपको लिखोगे साइन क्यूबेस का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस में साइन थ्री एक्स ठीक है और ये हो गया आपका वन बाय फोर इसका इंटीग्रेशन लगा दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा काम आपका यहीं पे हो गया काम आपको यहीं पे काम हो गया साइन क्यूबेस का काम यहीं पे हो गया ये अपने पास हो गया साइन क्यूब एक्स डी एक्स डिस वन अब तो लीनियर मैंने पहले कहा था क्वेश्चन में आपको आपको कि जब भी आपका साइन क्यूब हो साइन फोर हो साइन फाइव हो उसके तो उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए अब ये क्या हो गया साइन का नेगेटिव में होता है तो माइनस थ्री बाय फोर कॉस एक्स माइनस ये हो गया वन बाय फोर है साइन थ्री एक्स हो गया आपका कॉस थ्री एक्स निगेटिव में तो पॉजिटिव हो गया बाई थ्री

थ्री एक्स डी एक्स और ये अपने पास आ गया वन 4 एंसर हो गया वन बायर साइन थ्री एक्स बाय थ्री प्लस कॉन्स्टेंट के सही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन देखो क्या करना क्वेश्चन नंबर टेन में अपन क्या करेंगे इसको ठीक है ना इसे लिखते चलोगे आप लोग आगे बढ़े आइए क्वेश्चन टेन की बात करेंगे तो यहां लगा दिया हमने फोर यहां लगा दिया वन बाय फोर ये हो गया वन बाय फोर ऑफ टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है और चलिए ये हो गया आपका टू साइन एक्स इन कॉस एक्स का होल स्क्वायर राइट ना ये सुनते हैं होता है साइन टू एक्स सुनते हैं सही सुनते हैं बिल्कुल सही सुनते होंगे तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर टू एक्स टू लगा दो फिर से यहाँ से फिर से बाहर टू आ गया तो ये आ गया वन बाई एट 1 by 8 आ गया उच्छे तो ये क्या हो गया टू साइन एस टू एक्स है तो ये हो गया वन माइनस क्वास फोर एक्स एंड डी एक्स ये आपका काम बन गया अब सीधे आपका इसका इंटीग्रेशन कर लो इंटीग्रेशन में क्या करेगा इंटीग्रेशन में ये करेगा उच्च ये हो गया आपका वन बाई एट ऑफ एक्स माइनस साइन फोर एक्स बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट के ये आपका आंसर हो जाएगा सही है गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसे कॉपी करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न है और देखा जाए तो तीनों को तीनों क्वेश्चन क्या है एक ही क्वेश्चन को लिखा गया है तीन स्टाइल में डिपेंड करता है आई वाले क्या सोच रहे हैं हो सकता है जब भी अब हाँ कुछ बच्चे बोलते हैं अक्सर हैं कि सर इन में बहुत सारा आंसर नहीं मैच करता ये तो डिपेंड करता है बच्चे ट्राइगो फंक्शन है साइन एक्स कॉश एक्स में है तो उसको हो सकता है वो वन बाय टू साइन टू एक्स लिख दे साइन टू एक्स की बात साइन एक्स इंटू का इंटीग्रेशन करोगे सब्स्टिट्यूशन सब्टिचुस, से करोगे बच्चे तो साइन स्क्वायर में भी आ सकता कॉस स्क्वायर में भी आ सकता कॉस टू एक्स में भी आ सकता आ सकता है ना बस सिंपल सी बात है तो अपन क्या करेंगे पहले इसको खोलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर आपका एलेवन की बात करूँ मैं इलेवन में हमारे पास क्या है एलेवन बनाने का तरीका देखो क्या है ये लिख दो नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर को लिखा वन बाय कॉस ये हो गया वन बाय साइन सही है ऊपर हो गया वन तो वन को लिखेंगे अपन क्या वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब इससे फायदा क्या होगा ये क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया ट्वेल्व में अब यहां से दो तो ये कट जाएगा तो ये बच्चेगा तो बच सेक स्क्वायर एक्स और यहां से कटेगा ये तो ये बच जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स अब तो बोलोगे सर बड़ा आसान हो गया क्यों आसान हो गया सेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स है ना क्योंकि पास बन गया टैनेक्स। ये हो गया आपका माइनस में कॉट एक्स प्लस के अब उसकी मर्जी है इसको कुछ और चेंज कर दे इसको उसकी मर्जी आई आई टी की मर्जी है या साइन एक्स लिख दिया या बच्चे लिख दिया ना तो साइन स्क्वायर में हो गया बाई साइन एक्स कॉस एक्स उसकी मर्जी है कि अभी आंसर और मैच करना है एक आंसर ये हो गया आपके पास एक आंसर ये हो गया दूसरा आंसर इसके फॉर्म में आ गया प्लस के इसको और ठीक करेगा तो माइनस में ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो गया माइनस में टू कॉस टू एक्स बाय साइन टू एक्स उसकी मर्जी है इसको और लिख देगा ऐसे माइनस में टू भी ऐसे नहीं लिखेगा वो पहले लिखेगा कॉन्स्टेंट लिखेगा लिखे, लिखे, जानबूझ करके पहले लिखेगा के माइनस टू कॉ टू एक्स ये आंसर लिखेगा सही है तो वो डिपेंड करता है मैंने कहा कि कि बच्चे बोलते अक्सर ट्राइगो वाले में या इंडिफ्रिट की बात करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन मैच नहीं आंसर मैच नहीं होता रीजन है उसने आंसर ऐसे सेट किया है उसने आंसर ऐसे सेट किया है उसने सेट किया से है उसने ऑप्शन ऐसे सेट किया है कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ही चॉइस का चारों आंसर ऐसे दे देता है बच्चे का आंसर मैच किया ठीक किया आगे बढ़ गया बच्चे या हो सकता है यहाँ पे प्लस कर दे गलत कर दे बाकी जो सही कर दे आप तो फंस गए जाल में आप उसके ट्रैप में फंस गए तो ये ध्यान देना है कि उसका ऑप्शन कहाँ कहाँ मैच कर रहा है सही है आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हमने कहा अभी क्वेश्चन नंबर ग्यारह और बारह सेम हो गया तो थर्टीन भी तो सेम है थर्टीन को ब्रेक करता हूँ थर्टीन को ब्रेक करता हूं मैं ये हो गया टेन स्क्वायर है ना प्लस कोट स्क्वायर एक्स सही है अब प्लस टू दिस वन अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप नहीं जानते तो इसको बदल दो स्क्वायर स्क्वायर में ठीक है बदलोगे इसको क्या करोगे इसको लिखोगे से स्क्वायर एक्स माइनस वन इसे लिखोगे कौशे स्क्वायर एक्स माइनस वन तो ये टू वन वन कैंसिल अब ये बन जाएगा से स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर एक्स डी एक्स सही है बिल्कुल सही है अब क्या करने का ये हो गया आपके पास टेन एक्स ये हो गया आपका माइनस में कॉट एक्स प्लस के अभी तुरंत किया था यही हो गया आपका के माइनस टू कॉट टू एक्स ये हो गया सेम पैटर्न हो गया सेम क्वेश्चन हो गया फर्क ही नहीं पड़ा सही है ना टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टू प्लस टू टेन स्क्वायर प्लस्कॉड स्क्वायर प्लस टू का एंसर सेम कैसे आ रहा अपन बना रहे हैं कौन सा थर्ड बना रहे हैं तो टेन स्क्वायर प्लस्ड स्क्वायर प्लस टू आ रहा है ठीक है वहाँ हो गया टेन स्क्वायर प्लस्ड स्क्वायर ट्वेल्थ नंबर कहाँ है देखें ट्वेल्थ नंबर में कहा है भाई या देखिए कुछ हुआ छूटा तो नहीं अच्छा अभी एलेवं बनाया था हमने एलेवंथ बनाया था ट्वेल्थ नहीं बनाया था हमने कहा था उसको ट्वेल्थ के फॉर्म में आ जाएगा ये आ गया ठीक है तो जैसे एलेवन बना वही वही काम आपका ट्वेल्थ में और थर्टीन में हो गया थर्टीन में यही सेम काम है टेन स्क्वायर प्लस कोड स्क्वायर आ गया चेक करो आप थर्टीन नंबर में यही काम आपके पास सेम आया यहाँ से आपके पास आ गया क्या ये टेन स्क्वायर कोर्ड स्क्वायर आ गया उसको चेंज किया आपने सेको और सेक में तो ऐसे चेंज आपका चे, चे, हो गया ही कंडीशन तो ट्वेल्थ बन जाएगा आपका बन जाएगा ना तो आइए मैं देखता हूँ फोर्टीन नंबर फोर्टीन नंबर क्वेश्चन ये हो गया अपने पास यहाँ लिखता हूं मैं टू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ये हो गया वन बाय फोर वन बाय फोर आओ पहले कहा पावर फोर है पावर सिक्स है तो एक तरीका और होता है डी मोवर्स थ्योरम का एप्लीकेशन होता है बट वो होता है पावर जब फाइव सिक्स से ज्यादा हो तब यहाँ तो सिंपल कर सकते हैं आप इसे खोल दो आप खोलोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इसे और खोलिए इसे और खोलिए बोलिए खुल जाए सिम सिम खुल जाएगा ये तो ये हो गया वन बाय फोर है ना और इसकी बात करेंगे तो ये वन बाय फोर के साथ हो गया कितना वन वन माइनस माइनस प्लस स्क्वायर टू 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 एक्स 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 डी इसे काट दो इसे लिख दोगे वन प्लस कॉस फोर एक्स बाई टू इस फॉर्म को लिखा हमने अब इसका एंसर डायट हो गया अब इसका आंसर कैसे डायरेक्ट हो गया बच्चे वन बाय फोर ऑफ एक्स का हो गया वन यहां से वन है यहाँ से वन बाय टू हो गया तो थ्री बाय एक्स बिल्कुल सही है ये हो गया का हो साइन फोर एक्स अपॉन फोर पहले से टू था तो यहां हो गया एट माइनस में टू इन टू कॉस टू एक्स का हो गया साइन टू एक्स बाई हो गया टू प्लस कॉन्स्टेंट के ये टू टू कैंसिल हो गया ये आपका आंसर हो गया सही है सही जा रहा सबका सही हो आदित्य सावाज महक सो योर थम्सअप साइन माय डियर थम्सअप साइन सो करते चलेंगे शाकेत ठीक है शाइन महक गुड चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे आगे बढ़ता हूँ मुझे आप बेसिक लग रहा हो मुझे समझ में आ रहा है बेसिक लग रहा हुआ आपको लग रहा है यार क्या यार बेसिक पढ़ा रहा है क्या बस बेटा दो क्लास और दो या तीन क्लास में अपन बस में जो हाइयर में आएंगे ना फिर मज़ा आने लगेगा है ना हमने पहले कहा बस कुछ नहीं ऐसे, ऐसे देखते रहो बट जो बच्चे नए हैं या जिनका जिनका ठीक से पढ़ा हुआ नहीं अभी तक है जिनका ये तो रिविजन राउंड है जिनका ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा और जिनका पढ़ा हुआ उनको बेसिक लग रहा होगा आइए अच्छी बात है बेसिक क्वेश्चन भी आता है ध्यान रखना और चाहिए इसकी बात करूंगा फिफ्टीन की बात करूंगा तो फिफ्टीन में क्या अपने पास है फिफ्टीन में अपने पास है बच्चे क्या वन प्लस कॉस फोर एक्स हमारे पास है तो वन प्लस क्या होता है वन प्लस होता है टू cos स्क्वायर एक्स तो ये क्या हो गया ये हो गया टू cos स्क्वायर टू एक्स बिस बना ठीक है ना ये बन गया आपका रूट में अब रूट में है तो इसको रूट टू बाहर निकाल लीजिए और ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स है तो कैंसिल तो कॉस टू एक्स बनेगा ऐसे तो मोडलेस वैल्यू होता है बच्चे जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं बट यहाँ लिमिट डिफाइन नहीं है तो मोडलेस वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी लिमिट होता तो सोचते भी कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है इसलिए उसकी बात अपन नहीं करेंगे अपन इसकी बात नहीं करेंगे अपन मोडलस की बात नहीं करेंगे अपन सीधे बात करेंगे इसका कॉन्स्टू एक्स एंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका साइन टू एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट के ये इसका हो गया आंसर सही है ना नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन 16 की बात करोगे तो आइए 16 में अपन क्या करना है 16 नंबर क्वेश्चन में वो हो गया बच्चे रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस sin 2x इसे खोल दोगे 1 को खोलोगे sin²x प्लस cos²x 1 होता है अब प्लस में 2 sinx cosx ये हो गया है ना dx तो ये क्या हो गया च्छे? ये हो गया साइन एक्स इसको काट दोगे साइन प्लस कॉस का हो गया होल स्क्वायर तो सीधे यहां बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट खत्म स्क्वायर से कट जाएगा ये बिल्कुल ठीक है अब यहां क्या करने का साइन एक्स का हो गया आपका कितना माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के आंसर हो गया किताब बुक कर उसमें एग्जाम में क्या करते हैं के प्लस साइन एक्स

क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके पास ये सेवनटीन है तो ये इसको ठीक करोगे तो ये हो गया टू कॉस एक्स डी ऊपर जाके हो गया आपका 2, होता है, x, प्लस के, ये आपका आंसर हो गया कितना आसान हो गया एटीन की बात करेंगे एटीन तो में कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना क्यू से टेन एक्स सेक एक्स सेक एक्स माइनस टेन tan x dx तो ये हो गया sec square x minus tan square x ये सुनते हैं वन होता है नीचे खत्म हो गया क्या बचा बच बच्च गया सेक्वायर x माइनस सेक sec tan सेक इंटू टेन एक्स डी एक्स बिल्कुल सही है अब इसे क्या करेंगे अब इसे करेंगे सेक्वायर एक्स को ले देंगे टेन एक्स और ये हो गया आपका सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के ये आंसर हो गया सही है ना मजा आएगा मजा आएगा उठे मजा आएगा सही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट्वेंटी ये देखोगे आपका रैंक बूस्टर के नाम पे या एच के नाम पे क्वेश्चन दिया रहा था रेजोवेरे में चाइलैंड में या जो बंसल का रैंक बूस्टर होता था उसमें ये सब क्वेश्चन आएंगे तो इसमें क्या करने का मोटिव क्या है भाई इस क्वेश्चन का मोटिव देखता हूँ मैं पहले नीचे ब्रेक करता हूँ अच्छा रहेगा तक ऊपर स्पेस मिल जाए मुझे अच्छा सा अलग से लिखना नहीं पड़ेगा स्मार्ट वर्क पानी बचाइए तो देश बचेगा तो इंक बचाएंगे तो पानी बचेगा पानी बचेगा देश बचेगा इसे ठीक करो a2 b2 तो ये हो गया sin2x cos2x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बिल्कुल सही है भाई कितना अच्छा हो गया तो आसान हो गया अब तो सिंपल हो गया ये होता है वन तो बन क्या गया बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अब आपके फॉर्मूला दिमाग में है कोस स्क्वायर ये उल्टा हो जाता कोस बाहर निकाल लो माइनस को तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यही तो होता है कॉस टू एक्स होता है ना तो कुछ नहीं करने का माइनस में एक्स का हो गया साइन टू एक्स बाई टू प्लस के, ये इसका हो गया अब यही क्वेश्चन टफ लगता था कितना आसान हो गया अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन जरा को देखिए भाई कैसे बनेगा आइए जरा नाइनटीन भाई आप आइए 19 के लिए ऊपर ठीक करता हूं पहले इसको हटाया हमने छोटा इसको पहले कलर चेंज करता हूं मैं ताकि अच्छा लगे आपके लिए है ना 19 में मैंने इसको ठीक क्या किया इसको लिखता हूं मैं साइन फोर एक्स कोस फोर एक्स इन साइन फोर एक्स कॉस फोर एक्स बिल्कुल सही है एक अभी तुरंत बनाया हमने ये बनाया था तो ये हट जाएगा ये क्या बच जाएगा ये बचेगा बच तो यहां से ठीक करूंगा मैं ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स वाह ये क्या बच जाएगा साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स जितना सिंप्लीफाई कर सकते करो अच्छा ये तो अभी नुमेर square, square लिख सकते तो, लेकिन फायदा आपको नहीं हुआ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स चलिए ठीक है ये हो गया आप देखते क्या करना है इसको ब्रेक किया जाए इससे ब्रेक किया जाए इसे खोला जाए तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर प्लस का होल माइनस टू साइन स्क्वास लिख सकते गया, प्लस में आएगा टू साइनस कैंसिल हो गया बिल्कुल सही है तो यही तो हमारे पास बच गया बच्चे ये बच गया माइनस में कॉस टू एक्स ये बन गया अपने पास वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स एक्स बिल्कुल सही है अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स बिल्कुल सही है अब जहां देखो तो ये कट जाएगा क्या ये कट गया बच्चे ऊपर से तो बच क्या गया? बच गया सीधे आपका आंसर सीधे आपका आंसर बच गया ये हो गया आपका माइनस में कॉस टू एक्स डी एक्स इसका आंसर क्या हो गया आंसर हो गया साइन टू एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट के ये आपका आंसर बच गया सही है ना कोई कंफ्यूजन नहीं है आगे देखें आइए तो अब इसमें मैं आपको देता हो हूं होमवर्क इसे आप कर लें इसे देख लें आप मैं इसमें देता हूं हो आपको होमवर्क कुछ क्वेश्चन को कि कैसे आप बना के लाएंगे घर से करके लाएंगे आपके लिए होमवर्क ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वाह वाह है ना वाह का मतलब उन्होंने क्या कहा वर्क एट होम घर पे बनाना है वर्क एट होम तो आपको क्वेश्चन देता हूं मैं 21 अगर ये के साइन sin पावर 6 होगा तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होगा बच्चे बट इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूं यहां हो गया cos 6 अब ये आसान हो गया आसान कैसे हो गया a q b q फॉर्म में हो गया बच्चे तो a b आपका 1 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर साइन फोर कॉस फोर में आ गया थोड़ा तो सा आसान हो गया आपके लिए ठीक है ना यहां भी देखो सेम चीज लिखा हमने ए क्यूब बी क्यूब की बात किया हमने तो ए माइनस बी आ गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस टू एक्स होता है कॉस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आसान हो गया आ गया ना ए क्यूब है माइनस बी क्यूब बचे तो क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर का होल क्यूब करोगे साइन स्क्वायर का होल क्यूब करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है टू एक्स जो से कैंसिल हो जाएगा ठीक है आइए मतलब तो बनाएंगे तो आसानी से बनेगा दिख रहा है टफ बट तो है ये आसान

नहीं आता ना तो नहीं आता मतलब क्या हुआ आपका देखेगा मेंटल आप में क्वेश्चन में। तो में, को अनलॉक करने में दिक्कत नहीं आएगी उसका ट्रिक समझना होता है उसका क्वेश्चन का जो है नेचर जानना होता है कि में क्या क्या चल रहा है क्या क्या हो सकता है अदरवाइज अरे यार नीचे तो वन प्लस दे दिया अब मैं क्या करूं

ढाई महीने तीन महीने के अंदर एग्जाम से हम दस दिन पहले छोड़ देते हैं तो एग्जामिनेशन के ठीक दस दिन पहले आपका जो पहले छोड़ा आठ दिन पहले तो ढाई महीने के अंतराल में लगभग वो सौ आपका कितना लेक्चर किया होगा सेवनटी लेक्चर में उसका परफॉर्मेंस ऐसा आया ही ऑल थर्टी फोर नाम था अर्पित अग्रवाल ठीक है अनिकेत सॉरी अनिकेत अग्रवाल फ्रॉम मुजफ्फरपुर बट कितना मजा आता है ऐसे बच्चों को देख के कितना मजा आता है यार है ना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रैंक टू डिजिट मैं थाउजेंड की बात ही नहीं कर रहा मैं तो बोल रहा हूँ सामान्य बच्चे भी मेरे पास अगर आते हैं जिनका बेस अच्छा हो कॉन्सेप्ट अच्छा हो कम्युनिकेशन सही हो लैंग्वेज के साथ इसका आपका सब्जेक्ट के साथ बेसिक कमांड हो तो उसको सिखाने में कहीं परेशानी नहीं है अगर वो इनक्विटिव हो समझने लायक हो सोचता हो दिमाग पर जोर देता हो देता हो कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं यार बोलते सिखा लो मैं सीखना नहीं है मुझे आपको जो बोलना बोलो मैं सुनूंगा ही नहीं उनका कुछ नहीं कर सकते उनका कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो इनक्यूजिटिव है जो आपका डेडिकेटेड है जिसको लगता है सर मुझे कैसे भी आई में जाना है उसको तो मैं लात मार के जो है भेज दूंगा आई में उस में थोड़ी मेहनत मैं करूंगा थोड़ा मेहनत आप मैं बोलता हूँ मेरा एक लैंग्वेज है हर रोज करो अभ्यास घर चाहिए आई का पास क्या चाहिए घर चाहिए आई का पास हर रोज करो अभ्यास तो हर रोज अभ्यास करें और तभी आपको आई का पास मिलेगा है ना आईआईटी के पास लाने के लिए इतना आसान नहीं होता कि आप दौड़ के आई दिल्ली चले गए आई बॉम्बे चले गए वहाँ जाने के लिए एक पास बनता है वो पास बनता है मेरिट क्लब का पास बनता है मेरिट से बनता है आप जब क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास जो रैंक आएगा तो उसे डिसाइड होगा काउंसलिंग में कि आपको आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है आईआईटी दिल्ली मिल रहा है आईआईटी कानपुर मिल रहा है या ब्रांच के आप सेलेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है वो आपके मेहनत से ही आएगा और मेहनत करना आपका काम है मैं सिंपली बात भी बोलता हूँ कोटा में जितने भी बड़े बड़े कोचिंग डायरेक्टर्स हैं या इंडिया में नाइन्टी परसेंट के बच्चे किसी के बच्चे आई में नहीं है क्यों भाई आप तो बड़े बड़े कोचिंग चलाते हो आप बोलते हो सौ हमारे यहाँ रैंक वन आता है रैंक टू आता है रैंक फाइव आता है आपके अपने बच्चे कहाँ हैं अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा बच्चा भी एग्जाम देने वाला है बीस दिन बाद देने वाला है तो मैं बोल सकता हूँ भाई कि हमने पढ़ाया डेडिकेट होकर पढ़ाता हूँ मैं है ना और रिजल्ट हमारा ये है और नहीं होता तो हमारे लिए भी तमाशा है यार तो ये ये कोशिश करनी होती है टीचर पे डिपेंड करता है बच्चे कि हाउ जस्ट ही इज मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स दे आर कमिंग टू हिम आप हम पे जब डिपेंड हो तो मेरी कोशिश होनी चाहिए आप में से बेस्ट निकालने का अगर आप में मिल्क है थोड़ा सा मिल्क का असर है तो क्रीम तो मैं निकाल दूंगा यार अगर आप में पानी ही पानी है तो क्रीम कहाँ निकलेगा मेरा निकल जाएगा बेटा तो क्रीम अपने आप में बनाना है मिल्क अपने आप में बनाना है मिल्क बनाने का मतलब आप में मिल्क का मात्रा होगा या क्रीम का मात्रा होगा तभी तो घी निकलेगा बेटे तो थोड़ा सा भी बस बेसिक कॉन्सेप्ट कमांड होगा फॉर्मूला चार्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में बच्चे पंद्रह हजार रैंक का मतलब होता है अगर आपके पास सौ एक सौ दस एक सौ बीस नंबर भी आ जाता है तो सिलेक्शन हो जाएगा एक सौ बीस का मतलब होता है कितने बच्चे एवरेज मान लो तीन सौ साठ तीन सौ अस्सी नंबर के आसपास का एग्जामिनेशन है तीन सौ अस्सी तीन सौ नब्बे हो सकता है मान लो एक सौ बीस नंबर भी आता है आपको ट्वेंटी है, आता है तो आपको आई आई टी में जो मेन मेन जो आई आई टी है कहीं ना कहीं कोई पोजिशन मिल जाएगा कुछ ना कुछ मिल जाएगा और बाकी अच्छा करने के लिए आप फिफ्टी परसेंट पे ले आओ सिक्सटी परसेंट पे ले आओ सिक्सटी परसेंट क्या मतलब पहला दो हजार रैंक सेवेंटी परसेंट क्या मतलब पहला आपका पांच सौ रैंक एट्टी परसेंट में तो पहला दस रैंक आ जाता है बच्चे जो फर्स्ट रैंक होता है नाइन्टी के आसपास होता है टेंथ रैंक आते आते वो एट्टी पर चला जाता है बच्चा एट्टी एट्टी पे अब समझ सकते हो आप कि कैसा एग्जामिनेशन चार नंबर का पेपर अगर आएगा तो सीधे आपका कितना हो गया सेवेंटी हो गया तीन नंबर थ्री नंबर तो 300 नंबर भी लाते हैं 400 नंबर में से तो आप समझो कि आपका आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली में सी एस रखा रहेगा चूंकि पहले सौ में आ जाओगे आप पहले सौ में आवेंटी 75 परसेंट क्या बताओ पहला पचास रैंक ठीक है ना तो चलिए ये सब आपके लिए होमवर्क हो गया एक लास्ट क्वेश्चन दूँ और आज का क्लास कंक्लूड करूँ ताकि ज़्यादा लंबा लेना भी नहीं है टाइम भी ज़्यादा हो गया आपका सर ने फोर्टी मिनट कहा था मैं तो फिफ्टी से फिफ्टी मिनट पहुँच रहा हूँ लगता है अब एक और देखता हूँ क्वेश्चन में ये सब सारे चारे क्वेश्चन ये जो चार क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क दे दिया हमने वर्कआउट के रूप में वर्क एट होम के रूप में दे दिया बच्चे इसे आप बना लेंगे सही है ना इसे बना लेंगे कल अपन चलेंगे इसके आगे की बात कल मैं चलूंगा अपलिकेशन ऑफ पार्सल फ्रैक्शन कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ध्यान रखना कोई बच्चा कल जो है अपना क्लास मिस नहीं करेगा ठीक है आदित्य महक कल का क्लास मिस नहीं करने का कल अपन चलेंगे अप्लीकेशन ऑफ पार्सल फ्रैक्शन टाइमिंग मॉर्निंग नाइन थर्टी पहला लेक्चर अभी तो चूंकि घर पे कर रहे हैं अब फिर शायद कमिस्ट्री वाला लेक् सर का भी क्लास होगा इसके बाद तो घर से जब कर रहे हो बच्चे तो नाइन थर्टी से अपन चलेंगे आपका कितना टेन टेन फिफ्टीन चलेंगे पहला लेक्चर दस मिनट का गैप होगा अगला लेक्चर या तो कमिस्ट्री के बाद होगा या जस्ट उसके बाद होगा तो दोनों लेक्चर मैं चाहता हूँ लगातार हो जाए तो एक थोड़ा सा आदमी रिलेट कर पाता है बच्चे को मजा मजा आता है मेरी कोशिश होगी दोनों लेक्चर लगा लगातार हो तो अच्छा हो अदरवाइज प्रिंसिपल सर परमिशन देंगे तो अगला लेक्चर जो है लगातार कर दूंगा नहीं तो एक गैप रहेगा एक मतलब गैप का मतलब होता है मैथ्स के बाद केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स का होगा फिर मैथ्स आ जाएगा दो दो लेक्चर सबको दिया गया है मुझे तो ऐसे देखा जाए तो दो घंटे का क्लास सही होता है अब चूंकि स्कूल है परमिशन है कि नहीं सर फोर्टी फाइव मिनट से ज्यादा नहीं करने का इट्स ओके डियर ठीक है सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय टेक केयर